सो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। और देख सकते हैं ये 24 इंच LED का मदरबोर्ड है। सो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे आपके 5 वोल्ट बनते हैं और यहाँ पे 1.1 वोल्ट। सो दोस्तों, 12 वोल्ट यहाँ पे बिल्कुल ओके थे, 12 वोल्ट बिल्कुल ओके, और यहाँ पे जो थे वो 5 वोल्ट नहीं बन रहा था। तो हमने क्या किया, इसका ये बक कन्वर्टर लगाया। लेकिन हमने उससे पहले ये इसमें देखा कि ये जो है वो शॉर्ट था। शॉर्ट मतलब कि यहाँ जो आईसी होती है इसके कारण यहाँ पे नहीं बन रहा था, ये आईसी ख़राब थी। और मार्केट से हमने हाल ही में ये मदरबोर्ड जो है वो नया ख़रीदा था, चार या पाँच पीस, उसमें से वन पीस जो है वो ख़राब निकला। तो मैंने सोचा इसकी फॉल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखा तो यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आ रहे थे, बट 12 वोल्ट जो था वो ओके था। तो हमने यहाँ पर बक कन्वर्टर लगाया। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने कैसे चेक किया कि क्या चीज़ शॉर्ट है, यहाँ अपने ग्राउंड लगाना है, बर्जर पे लगा के यहाँ पे टच करा तो देखा मैंने बीप की आवाज़ आई, यानी कि ये शॉर्टिंग थी ग्राउंड से। फिर देखा तो ये जो आईसी है, रेगुलेटर आईसी, ये ख़राब थी। सो दोस्तों, हमने इसको ओपन किया और ओपन करके यहाँ देख सकते हैं 12 वोल्ट आता है। 12 वोल्ट हमने बक कन्वर्टर पर यहाँ दे दिया, इन माइनस और इन प्लस। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से जो है वो प्लस निकला, इन माइनस, इन प्लस, यहाँ से प्लस। यहाँ पर हमने 5 वोल्ट पर, यहाँ हमने 5 वोल्ट पे इसको जंपर दे दिया, यहाँ पे 5 वोल्ट अपने ओपन हो गए और हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्वाइल ओपन करके और आईसी ओपन करके लगा दिया और ये सेट हमारा ओके हो गया। सो दोस्तों, मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा स्टैंड बाई की लाइट वगैरह। सो चलो फिटिंग कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। सो दोस्तों, देखते हैं तो वायर लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइट आ गई है। अब इसको ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ऑन हो चुका है। सो दोस्तों, ऑन होने के बाद यहाँ पे आपके 5 वोल्ट बन गए। यहाँ पे आपके आ गए 1.1 वोल्ट देख सकते हैं, और सेट ऑन है तो यहाँ पे आपकी सप्लाई आएगी 10 वोल्ट, यानी कि पैनल पे वोल्टेज आ गई, यानी कि ये सेट बिल्कुल ओके हो चुका है। सो दोस्तों, यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस बोर्ड में आपको दिए, इस वीडियो में मैंने आपको इस बोर्ड के बारे में दिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस चैनल को शेयर करें।